हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक विद वाज एंड वर। तो वाज और वर, वाज किसके साथ लगता है? सिंगुलर नाउन के साथ, और वर प्लूरल के साथ। वाज और वर दोनों था यानी कि पास्ट फॉर्म के लिए आते हैं, कोई काम हो चुका होता है उसके लिए। जैसे कि ही वाज स्लीपिंग व्हेन द पोस्टमैन केम। जब पोस्टमैन आया तो वह सो रहा था, ठीक है। स्लीपिंग, स्लीप आईएनजी लग गया यानी कि सो रहा था। स्लीप सोना, आईएनजी लग गया, सो रहा था। वाज क्योंकि ही सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा? वाज आएगा, ठीक है। जब एक व्यक्ति की बात होती है तो वाज लगाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए, दे वर जंपिंग हाई। दे यहाँ पे वर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो प्लूरल के लिए वर लगेगा, ठीक है। जंपिंग हाई, वे मतलब कहाँ पे जंपिंग कर रहे थे? छलांग लगा रहे थे, ऊंची छलांग लगा रहे थे। आई वाज रीडिंग ए बुक। यहाँ पे वाज क्यों लगा? क्योंकि आई सिंगुलर है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वाज लगा दी। आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं बुक पढ़ रहा था। मैनी चिल्ड्रन वर एबसेंट यस्टरडे। बहुत सारे बच्चे यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल में एबसेंट थे। अब यहाँ पे वर लगा। वर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वर लगाया। दीज वर्ड्स वर इजी। अब यहाँ पे भी वर आया क्योंकि यहाँ पे भी दीज किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे वर लगाया। वैसे जीनत एंड अमान वर डांसिंग ऑन स्टेज। जीनत और अमान कहाँ पे डांस कर रहे थे? स्टेज के ऊपर। यहाँ पे भी वर लगाया क्योंकि यहाँ पे भी जीनत और अमान दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वर लगा, ठीक है। यू वर गोइंग टू स्कूल। तुम कहाँ जा रहे थे? स्कूल जा रहे थे। अब यू में भी ये प्लूरल है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसमें दो है, तीन है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी वर लगाया। तो ये आपका कल का होमवर्क था। अब आज का आपका होमवर्क देखिए, देखिए यूज ऑफ हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, ठीक है, इनका यूज करना। हैज हैव हैड डिनोट देयर सब्जेक्ट्स। हैज हैव हैड डिनोट देयर सब्जेक्ट्स पोजेशन ऑफ समथिंग। हैज हैव हैड क्या बताते हैं? ये कर्ता की स्थिति को बताते हैं, सब्जेक्ट की क्या बताते हैं? ये सब्जेक्ट की स्थिति को, ठीक है, स्थिति को बताते हैं कि वो पास्ट में था, पास्ट में है या प्रेजेंट का है, ठीक है। अब देखिए, और उसके अधिकार के बारे में भी बताते हैं कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है। शी हैज़ ए कैट। अब उसके पास, वह उसके पास कोई गर्ल है, उसके पास क्या है? बिल्ली है, ठीक है। तो शी क्या है? सब्जेक्ट हो गया। शी क्या है? सब्जेक्ट। कैट क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हैज़ क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब है, ये बताती है कि उसके पास बिल्ली अभी भी है या थी। तो हैज़ का मतलब होता है यानी कि अभी भी उसके पास बिल्ली है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या बता रही है? कि उसके पास अभी भी बिल्ली है, कैट है उसके पास, ठीक है। एक तो उसका अधिकार बता रही है कि उसके पास बिल्ली है, ठीक है। एक ये प्रेजेंट स्थिति बता रही है कि अभी भी है उसके पास, ठीक है। इस सब्जेक्ट की स्थिति को दर्शा रही है कि अभी भी उसके पास है। अच्छा, वी हैव टू पैरट्स, ठीक है। हमारे पास क्या है? दो पैरट्स यानी कि दो तोते हैं। तो ये हैव, वी किसके, हैव किसके साथ आता है? हैव प्लूरल के साथ आता है, वी हैव, ठीक है। हैज़ किसके साथ आता है? सिंगुलर नाउन के साथ आता है। जैसे कि ये एक एक व्यक्ति की, एक गर्ल की बात हो रही है तो हैज़ लगा दिया। ऐसे ही वी यानी कि हम, यानी कि एक से अधिक जब लोग होते हैं, एक दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, तो प्लूरल के साथ हैव आता है। हैव का मतलब भी है ही होता है, मेरे पास, पास है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? टू पैरट्स है। तो ये भी स्थिति को दर्शा रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है वी, ये पैरट्स ऑब्जेक्ट हो गया, ये हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो वी के पास क्या? अभी भी पैरट है, ठीक है, कि स्थिति को दर्शा रहा है कि अभी भी उनके पास दो तोते हैं। थर्ड है, आई हैड ए बाइसिकल लास्ट ईयर। इसमें क्या बता रहा है? हैड, आई के साथ हैड आया है, कि मेरे पास हैड कब बता आता है? जब हो चुका होता है कोई काम, पहले बीत चुका होता है, पास्ट की जब बात होती है तो हैड आता है। हैज है प्रेजेंट के लिए आता है और हैड पास्ट के लिए आता है। तो आई हैड ए बाइसिकल लास्ट ईयर। लास्ट यानी कि पिछले ईयर यानी कि साल, ठीक है। साइकिल थी मेरे पास, क्या थी? पिछले साल मेरे पास साइकिल थी। आई क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और बाइसिकल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आई हैड ए बाइसिकल लास्ट ईयर, मेरे पास लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल थी उसके पास। ये क्या बता रहा है?
कि ये उसकी स्थिति बता रहे कि उसके पास पहले थी, अब नहीं है, पहले थी उसके पास बाइसिकल। ठीक है, अब देखिए नोट में क्या है। हैज़ इज़ यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज़ किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, यानी कि एक वचन के साथ, यानी कि एक व्यक्ति की जहाँ पर बात होती है तो हैज़ यूज़ होता है। ऐसे हैव इज़ यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट। हैव किसके साथ यूज़ होता है? जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि एक से अधिक लोग होते हैं। ठीक है, एक से अधिक लोगों की जहाँ पर बात होती है तो वहाँ पे हैव यूज़ होता है। ठीक है, हैड इज़ यूज विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। हैड सभी प्रकार के सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ यूज़ होता है इन द पास्ट, यानी कि पास्ट के जितने भी जो बात होती है, पास्ट की जो बात होती है यानी कि कोई चीज़ हो चुकी होती है। ठीक है, जब वहाँ पे पास्ट के जितने भी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए हेड का यूज़ होता है। सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हेड लगाया जा सकता है पास्ट की जो बात होती है तो। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।